दादा का, बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा कश्यप। इस बार ये बदला लेगा कश्यप हमारे आपके लखन से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मूवी एके वर्सेस एके की, यानी कि अनुराग कश्यप वर्सेस अनिल कपूर। सर एक फिल्म की कहानी सुनानी सर आपको। एक बार तो मैं तेरे को चूतिया बोल चुका हूँ, फिर दोबारा बोल सकता हूँ क्योंकि तूने वासीपुर बनाई है। तू ऐसा वैसा चूतिया नहीं है, तू चूतियों का रणवीर सिंह है, एकदम टॉप। ये मूवी आई है नेटफ्लिक्स पर 25 दिसंबर को। इस मूवी में है अनुराग कश्यप और है अनिल कपूर, और भी काफी कैरेक्टर्स हैं। आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। फिलहाल दो जो मेन किरदार हैं वो है हमारे अनिल कपूर और अनुराग कश्यप, जो कि अपने ही रियल लाइफ कैरेक्टर इस मूवी में प्ले कर रहे हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं विक्रमादित्य मोटवानी, जो कि फिर से एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, जिनका काम हमने पहले भी देखा है और हम फिर से उनके काम को देखकर इस बार कह उठते हैं कि वाह क्या डायरेक्शन किया है। ये कहानी बहुत ही स्लो चलती है, नॉर्मल चलती है। अनुराग कश्यप अनिल कपूर के साथ मिलकर बहुत पहले एक मूवी बनाना चाहते थे जिसका नाम था ऑलविन कालीचरण, लेकिन अनिल कपूर ने अपने कुछ रीजंस की वजह से और शायद नए डायरेक्टर होने की वजह से उस मूवी को नकार दिया था। पर आज अनुराग कश्यप दोबारा से उसी गुस्से को लेकर आए हैं और वो अनिल कपूर के साथ एक स्टेज पर बैठकर उनकी काफ़ी बेइज्जती करते हैं। वो कहते हैं कि वो सीनियर एक्टर्स का करियर ख़त्म हो चुका है और अनिल कपूर अब ईद के चांद की तरह ज़्यादा दिखाई नहीं देते। पर ये स्टोरी किस तरह आगे बढ़ती है ये जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। मैं बस इतना बता सकती हूँ कि इसका क्लाइमैक्स बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर आपने इसका क्लाइमैक्स मिस कर दिया और आप आखिरी तक अपने नाखून चबाते नहीं बैठे हैं तो इस पिक्चर को देखने का कोई फायदा नहीं है। आप इस मूवी में बार बार सोचेंगे कि ये तो एक नॉर्मल स्टोरी है, ये तो हमेशा चलती है, पर ऐसा नहीं है। आगे चल के इस मूवी में काफी मजा आने वाला है। अनिल कपूर ने बहुत अच्छा काम किया है और अनुराग कश्यप जो कि एक मूवी में आए हैं, जो कि एक डायरेक्टर हैं, तो भी उन्होंने बहुत ही अच्छा इसमें साथ दिया है अनिल कपूर का, और दोनों बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इस मूवी में है सोनम कपूर, बोनी कपूर, हर्षवर्धन कपूर। अब आप कहेंगे कि ये सब तो ट्रेलर में दिखते नहीं है, ट्रेलर में तो खाली सोनम कपूर दिखती है, पर नहीं, आप मूवी में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे छोटे रोल में ये सारे एक्टर्स आते हैं। एक तरीके से ये अनिल कपूर के घर की कहानी है। ये कहानी आगे बढ़ती है, कहानी में सोनम कपूर किडनैप हो जाती हैं, जिनको किडनैप करने का सारा जिम्मा जाता है अनुराग कश्यप को। अनुराग कश्यप किस तरह एक स्टोरी लिखते हैं, उसे अनिल कपूर से काम करवाते हैं, अपनी उनकी बेटी को किडनैप करवाने के बाद वो उनसे कहते हैं कि आपको किस तरह एक रियल लाइफ इमोशंस देने हैं, हंसना है, रोना है, खून बहाना है, पर सब कुछ ओरिजिनल करना है। इस तरीके से स्टोरी में आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग एंडिंग तक पहुंचते हैं और एंडिंग में जो होता है वो देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। अनिल कपूर तो हमेशा ही हम सबको बहुत पसंद है, हमेशा ही वो बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत ही मजा आता है उनको देखने में, लेकिन इस बार अनुराग कश्यप ने भी बहुत अच्छा काम किया है। हम बात करें अगर डायरेक्शन की तो डायरेक्शन भी बहुत ही काबिले तारीफ है। ये मूवी रात में शूट हुई है, मुंबई की सड़कों पे शूट हुई है, मुंबई के लोगों के साथ शूट हुई है। इस मूवी का डायरेक्शन, इस मूवी के एक्टर्स साल खत्म होते होते हमें बहुत अच्छा काम देकर जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, ये मूवी जरूर देखें, क्लाइमैक्स मिस ना करें, आप इसे रिग्रेट नहीं करेंगे। मैं हूँ आरुषि पांडे, ये है SRM पॉडकास्ट, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।